हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल चित्रहान व्लॉग्स। तो कल के व्लॉग में जैसे कि आपने देखा होगा, मैं एक छोटा सा अपडेट डाल दी थी मेरे तबीयत को लेके। तो आज जो है मैं काफ़ी ठीक फील कर रही थी। मैं तभी अभी ही मैं वो व्लॉग बनाई थी तो मैं उसको डाल दी हूँ। और अभी जो है मैं काफ़ी रिलैक्स फील कर रही हूँ। और दवाइयाँ जो है मेरी चल रही हैं, एलर फ्री एंटीबायोटिक्स, आँख का इन्फेक्शन कर देखिए वो जो रखा है, आई ड्रॉप, सारी चीज़ें मेरी चल रही है साथ में। मैं पहले ऐसे नहीं थी। मुझे मतलब कि महीनों महीनों बाद मुझे ऐसा होता था कि फीवर आता था, तबीयत खराब होता था। बट बाबू के होने के बाद से ना मेरी इम्यूनिटी बहुत कम हो गई है। खुद के ऊपर थोड़ा सा केयर करना कम कर दी हूँ मैं। और एज के बाद भी ऐसा होता है कि मेटाबॉलिज्म में इम्यूनिटी वगैरह हमारी कम हो जाती है, तो उस टाइम पे हमको अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखना पड़ता है। अभी तो मैं बिल्कुल मॉर्निंग वॉक पे नहीं जा रही। पिछले 10 दिन से मैं उठ भी नहीं पा रही हूँ। आहन के स्कूल जाने से जस्ट 10 मिनट पहले मैं उठती हूँ, आहन को रेडी करती हूँ और बस भेज रही हूँ। उसके बाद मैं दवाई खा के फिर सो जाती थी, नाश्ता करके फिर उठती थी, फिर नहाती थी, धोती थी, फिर पूजा वूजा करके खाना बना के फिर मैं सो जाती थी। आहन के आते तक मेरा यही चलता था, क्योंकि आहन के बाद जो है रेस्ट नहीं मिल पाता है। वो दोपहर को बहुत कम अब सोने लगा था, बहुत कम सोता था, मतलब कम पीरियड के लिए वो सोता था, तो मुझे उतना रिलीफ नहीं मिलता था। तो मैं उसके स्कूल में रहते तक अपना जो है आराम कर लेती थी। और आज ना मैं अपना देसी जुगाड़ करके आप लोगों को दिखाती हूँ कि मेरा रिंग लाइट को मैं कैसे करी हूँ। तो ये देखिए, ये जो है मेरा रिंग लाइट है और इसको मैं क्या करी हूँ, मेरा पुराना जो ट्राइपॉड स्टैंड था ना, उसी में मैं ये सेलो टेप लगा के इसको चिपका दी हूँ। क्योंकि इसका जो स्टैंड था, मैंने आपको अपने लाइव सेशन में बताया था कि इसका स्टैंड जो खराब हो गया था, वो टिकता नहीं था नीचे में। ये मस्त से टिक रहा है, मेरा काम भी बन जा रहा है, मुझे कोई जरूरत भी नहीं है कुछ नया चीज लेने का, क्योंकि इसका लाइट खराब नहीं था। खराब था तो सिर्फ स्टैंड था, तो बस मेरा काम जो है बन गया है। जो है खाने में है कोफ्ता, लौकी का कोफ्ता सब्जी, और साथ में ना थोड़ा सा मैं फ्रेंच फ्राइज करी हूँ। इसको जब आहन खाएगा तो दोबारा से मैं तल लूंगी। तो पता है मेन तबीयत खराब होने का कारण ये ही है। एक्चुअली में ये कपड़ा अपने यहाँ पे इसलिए बिछाते हैं क्योंकि यहाँ ये जो खिड़की है ना, यहाँ से पानी आता है और यहाँ पूरा भर जाता है। तो ये कपड़ा जो है इसीलिए हम डाल के रखे ताकि पानी आए तो ये कपड़ा सोख ले उस पानी को। तो यही कारण है कि कभी बारिश हो जा रहा है और कभी एकदम तेज धूप हो जा रहा है। अभी ना मुझे फिर से थोड़ा थोड़ा सा ठीक नहीं लग रहा है। और हमारे जो पतिदेव हैं उनको बिना एसी के बैठते नहीं बनता है, और वो दिन भर एसी चालू करके बैठे हैं। बस इस यही कारण है हम लोगों का तबीयत खराब होने का। आधा टाइम हम ठंडी में, आधा टाइम हम गर्मी में रहते हैं। तो वो जो है खाना वाना खा के चले गए आहान को लेने, अपनी परमानेंट जगह में बैठी हुई है। इसका भी तबीयत खराब हो गया था बीच में, अभी तो खैर ठीक है ये। और ये देखिए आहान का सारा खिलौना इसी में वो डाल के रखा है। कल जैसे कि छुट्टी था ना मोहर्रम का, तो वो दिन भर इसी में ही। और तबीयत खराब होने से एक फायदा ये हो गया उसके साथ कि वो स्क्रीन टाइम बहुत कम कर दिया है, बहुत बहुत कम कर दिया है। मैं भी मतलब बहुत कम देखती थी फोन वगैरह हर चीज़। तो अभी जो है पौने बारह हो चुका है, पौने एक हो चुका है, तो आहन के आने का जो है अपन वेट करते हैं। दिखा आंखों, दिखा ऊपर कर, थोड़ा थोड़ा रेड है बेटा। क्या किया स्कूल में? बस पापा बोले टीवी देखना। टीवी नहीं देखना बोले? क्या क्या बोले पापा? टीवी देखना। टीवी देखना बोले पापा? तो खाना वगैरह हो चुका है और अभी जो है मैं जा रही हूँ, दवाई खाऊंगी। मेरा ये आंख फिर से दर्द दे रहा है, तो आंख में जो है ड्रॉप वगैरह डालूंगी और सर्दी की दवाई खा के थोड़ा सा आराम करती हूँ। फिर आप लोगों से मैं शाम को मिलते हैं। तो अभी जो है शाम के बज रहे हैं 6:30, और मुझे ना कुछ हेल्दी हेल्दी खाने का मन कर रहा था, पीने का मन कर रहा था आई मीन। तो बहुत हेल्दी एक रेसिपी मैं आप लोगों को सूप बनाना बता रही हूँ। तो देखिए आपको क्या करना है, टमाटर और अदरक ले लेना है। अभी जैसे कि टमाटर महंगा है तो 2 टमाटर इनफ होता है। और साथ में ना ये गरम मसाले में आपको लेना है दालचीनी, काली मिर्च और साथ में अदरक। इसको जो है कूट लेना, अदरक सिर्फ 1 इंच ले लो। और इसको बाइंडिंग के लिए, थिकनेस के लिए बहुत सारे लोग सॉल्ट और पाउडर वगैरह डालते हैं, बट मैं नहीं डालूंगी क्योंकि मुझे जो है इसको हेल्दी बनाना है। तो इसको सबको मैं कूट के कुकर में डाल दूंगी। तो अभी जो है पहले मैं सारे मसाले को मैं कूट लूंगी, ठीक है।
कूट ली हूँ। लौकी टमाटर सॉरी मैं टमाटर और गाजर ले ली हूँ, थोड़ा सा नमक और एकदम थोड़ा सा जो है शक्कर देंगे, एकदम थोड़ा सा सिर्फ स्वीटनेस के लिए बस। अब इसमें पानी डाल के दो तीन सीटी दे दो, बताऊंगी मैं आने का प्रोसेस। अब इसको जो दो तीन सीटी दे देंगे, इधर मेरा अनहेल्दी सा मैगी बन रहा है और इधर ये, तो ये मैं नहीं खाऊंगी। ये मुझे बोले कि मैं बाहर से कुछ ले आ रहा हूँ कचौड़ी वगैरह, मैंने कहा नहीं अभी का मौसम थोड़ा ठीक नहीं है, अगर आप मैगी में कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हो तो मैं मैगी तुरंत से बना देती हूँ, खा लो। बोले ठीक है बना दे, बट आलू प्याज टमाटर डाल के अच्छे से बनाना, तो बस वही बन रहा है मैगी और इधर जो है बन रहा है मेरा सूप। और जल्दी से जो है मैं पूजा वगैरह कर लेती हूँ, फिर आगे का प्रोसेस जो सूप का है मैं आप लोगों को बताता हूँ। तो ये देखिए सारा जो है मटेरियल मैं इसमें निकाल ली हूँ अपने मिक्सर ग्राइंडर में, और इसको थोड़ा सा ठंडा कर ली हूँ और मैं इसको अच्छे से अभी पीस लूँगी। और ये देखिए ना ऐसा कुछ सा पेस्ट बन गया है, तो जिसके यहाँ अगर आपका बच्चा जो है नहीं खाता है थोड़ा बहुत भी मुँह में उसके वो आ जाएंगे, स्पेशली जो गाजर का है ना वो थोड़ा आता है, तो अगर आपका बच्चा नहीं खाता है तो आप उसको जो है अच्छे से किसी उसमें छान लीजिए छन्नी से, बट मेरे यहाँ खा लेता है, मुझे ऐसा कोई इशू नहीं है तो मैं नहीं छानूंगी उसको। ये गया बटर और अब ये पेस्ट को जो है मैं डाल दूंगी, पानी भी मुझे इसमें उतना ही डालना है जितना कि पेस्ट है, और बस एक उबाल आने तक ना इसको आपको अच्छे से मिलाना है। उसके बाद एक छोटा सा चीज करना है वो मैं आप लोगों को बताऊंगी। और अब मैं इसमें डालूंगी क्रीम, तो ये जो है ना मेरा घर का ही क्रीम है, इसको मैं एक चम्मच अभी इसमें डाल दूंगी। अच्छे से फेंट के डालिए, जैसे डालना डालिए कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ये तो वैसे भी इसमें मेल्ट हो जाएगा गर्म है तो। ठीक है बस ये आपका जो सूप है हेल्दी और टेस्टी सूप वो रेडी है। आन सूप कैसा था? गंदा था। अच्छा था। तो अभी जो है हम लोग खावा के अपने बेडरूम में आ गए हैं, और आन जो है अपने वॉवल कॉन्सोलेंट के साथ खेल रहा है। तो ये जो है आन की दादी इस बार लेके आई है, अभी बाहर गए हुए थे तो इसमें एक चीज़ बहुत अच्छा है कि ABCD जो है आन आराम से रिकॉग्नाइज कर ले रहा है, बट दिक्कत ये है कि एक बार इसमें फंस जाता है ना तो निकलता बड़े मुश्किल से है ना बेटू। हाँ